हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार प्रधान स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल प्रधान टेक्निकल फोरम। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जैसे कि आयरन ओर का FeT और Li हमको पता है, इससे जो स्पॉन्ज आयरन बनेगा इसका FeM कितना होगा, FeT कितना होगा, मेटलाइजेशन कितना होगा, FeO कंटेंट कितना होगा एंड गैंग परसेंटेज कितना होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी अब चलते हैं डिस्कशन करेंगे। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा, जैसे कि हम जब वीडियो अपलोड करेगा आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। चलिए डिस्कशन करें। फ्रेंड्स, मैं इधर आयरन ओर पिलेट का एक एग्जांपल लिया है जिसका FeT जो है, Fe टोटल वो 63% है। इसका जो लॉस ऑन इग्निशन LOY वो 0.22%, लॉस ऑन इग्निशन जो है वो बॉन्डेड मॉइस्चर है ये 0.22% है। अभी हम ऑक्सीजन निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे ना 63 × 0.43। मैं एक तो वीडियो बनाया था जैसे कि ऑक्सीजन कितना परसेंटेज कैलकुलेशन करना है उसको देख लीजिएगा। इसको क्या करेंगे 63 × 0.43 मल्टीप्लाई करने से 27.09 आ जाएगा हमको ऑक्सीजन। अभी हमको निकालना है गैंग, गैंग निकालने के लिए फॉर्मूला है 100 − FeT + Li + ऑक्सीजन। जैसे कि 100 − 63 + 0.22 + 27.09 हमको गैंग मिल जाएगा 9.69। वो गैंग है क्या, गैंग बोले तो सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको टोटल मिला के हम गैंग बोलते हैं, जो कि हमको मिला 9.69। फ्रेंड्स, हम DRI प्रोसेस में आयरन ओर जो हेमाटाइट ओर को 90 to 95% रिडक्शन कर सकते हैं। व्हेन रिडक्शन 93%, सपोज हम 93% रिडक्शन करेंगे DRI रोटरी किलन में प्रोसेसिंग करके, उसमें ऑक्सीजन रिडक्शन होने का बाद 93% रिडक्शन होने के बाद जो ऑक्सीजन बचेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 27.09 ऑक्सीजन है आयरन ओर में, उसमें 93% रिडक्शन होने के बाद जो ऑक्सीजन बच जाएगा स्पॉन्ज आयरन में वो होगा 27.09 − 27.09 × 0.93, जो कि 93% को 0.93 लिया है, जो कि आएगा 1.9% ऑक्सीजन। स्पॉन्ज आयरन और क्या क्या उसमें रहेगा, FeT रहेगा, गैंग रहेगा और रिमेनिंग ऑक्सीजन रहेगा, जो कि 63 FeT जो है वो रहेगा और गैंग तो कहाँ नहीं जाएगा, वो 9.69 रहेगा और ऑक्सीजन जो हो 1.9 रहेगा, टोटल हो जाएगा 74.59। इसको हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वी गेट नाउ FeT ऑफ स्पॉन्ज आयरन इज इक्वल टू 63 / 74.59, जो कि इक्वेशन 3 से मिला है, इज इक्वल टू होगा 84.46। FeM ऑफ स्पॉन्ज आयरन होगा 84.46 × 0.93 मतलब 93% जो रिडक्शन हुआ वो आएगा 78.54। और मेटलाइजेशन होगा FeM / FeT × 100, जो आएगा 92.99 इज इक्वल टू 93%। हमको मिल गया 93% हम रिडक्शन किए हैं। अब गैंग ऑफ स्पॉन्ज आयरन होगा जो कि 9.69 / 74.59 × 100, जो कि आएगा 12.99। अब FeO ऑफ स्पॉन्ज आयरन होगा 100 − FeM + गैंग, जो आएगा 8.47%। फ्रेंड्स, किसी भी आयरन पिलेट का FeT और Li पता होने से हम उसका FeM और FeT, मेटलाइजेशन, FeO और गैंग परसेंट निकाल सकते हैं। एक तो कैलकुलेशन मेथड था और ओनली FeT Li पता होने से हम 93% रिडक्शन करने के बाद ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तरफ 94% रिडक्शन में निकाल सकते हैं, 95% भी रिडक्शन में, यही फॉर्मूला हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और आयरन ओर का भी यही फॉर्मूला हिसाब से आप FeT और Li वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं FeM, FeT, मेटलाइजेशन, FeO एंड गैंग। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जैसे कि मेरा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। धन्यवाद।